निगरान वज़ीर-ए-आला की तेज रफ्तारी, पंजाब में 300 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार गए। मुनस लाही ने मोहसिन नकवी को जालिम करार दे दिया। माजरा क्या हुआ? निगरान वज़ीर-ए-आला तनकीद की जद में क्यों आ गए? सब सामने आ गया। पंजाब में एक और बीमारी ने बच्चों को लपेट में ले लिया। सुबह पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 490 केसेस की तस्दीक हो गई। रवां साल अब तक 29,000 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 393 बच्चे नमूनिया से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नन्हे फूल मुरझाने पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी मोहसिन स्पीड निशाने पर आ गई। सहाफियों और सियासी रहनुमाओं ने बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार मोहसिन नकवी को करार दे दिया। मुनस इलाही ने भी सोशल मीडिया पर बमबारी कर दी। मुनस इलाही ने एक्स पैगाम में लिखा कि बेवकूफ, डरपोक और जालिम मोहसिन नकवी की वजह से कई बच्चे चल बसे। इस इंसान ने पंजाब के अस्पतालों में 90 अरब रुपए की अपग्रेडेशन का बैक वक्त काम शुरू करा दिया। मुनस इलाही ने इल्जाम आयद किया कि नमूनिया के मरीज बच्चों को वार्ड में से निकाल कर ग्रीन बेल्ट और स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। इस हमाकत की वजह से बच्चों की देखभाल न हो सकी और वो चल बसे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये है मोहसिन स्पीड।